हेलो एवरीवन। तो चलिए आज बनाते हैं नए पालंग के पत्ते के पकोड़े। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फायदेमंद है अपना बॉडी के लिए, तो चलिए बनाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर पौधा है जो कि इसको वाटर लिप भी कहा जाता है और पालक भी कहा जाता है। देख लीजिए, अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए फ्रेंड्स। तो ये बहुत सारे रोगों में कारगर है और कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन सी और प्रोटीन भरपूर मात्रा में, जिसमें वाटर इसमें है, और इसीलिए डिहाइड्रेट नहीं होता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो देख लीजिए, इसको मैं बनाऊंगी। चलिए बनाते हैं इस लीफ को, इस पालक को। तो ये देखिए, इसका जैसे कि इसका फ्लावर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, छोटा छोटा, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर होता है इसमें। इसका टहनी एक अगर लगा देते हैं तो इस ये हो जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से इसका साग भी बन जाता है। तो मैं भी साग बनाऊंगी, तो देख बने रही इंड तक। देखिए, इस पालंग को बनाने के लिए मैं ले ली हूँ प्याज 2 कट करके, और 4-5 हरा मिर्ची और थोड़ा चना, इसी से मैं बनाऊंगी। और इधर मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, और सरसों की तेल ऐड की हूँ मैं। आप रिफाइंड तेल भी ऐड कर सकते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब ऐड कर दे रही हूँ हरा मिर्ची, और थोड़ा सा चटक गए हैं हरा मिर्ची, और पी गए हैं प्याज। ऐड कर दे रही हूँ एक चना, चना सब चना थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद मैं साग को ऐड कर दूँगी। मेरा प्याज और चना थोड़ा सा भुना गए हैं, उसके बाद मैं साग सारे ऐड कर दे रही हूँ। उसको उतना काटने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत गल जाएगा। और ढक के 10 मिनट तक पकाऊंगी मीडियम फ्लेम में, और उसमें पानी भी ऐड नहीं करूंगी, अपने आप हो जाएगा। तो बने रहिए इन तक। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना पानी छोड़ा है नमक ऐड करने के बाद। तो ये साग में बहुत ज़्यादा मात्रा में बटर पाए जाते हैं, मिनरल्स हैं, इसीलिए पानी भी छोड़ते हैं। और देखिए, अब इसको ढक के मीडियम फ्लेम में रख के पकाऊंगी, उसके बाद तैयार हो जाएगा मेरा ये नए तरीका का पालंग। तो इसको नया पालंग भी बोला जाता है, पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बन रहे, अब इसको ढक दूंगी और 10 मिनट के लिए वेट करूंगी, इसके बाद तैयार हो जाएगा ये साग। तो मेरा 5 से 10 मिनट हो गया है फ्रेंड्स साग को पकते हुए। तो इसको बीच बीच में मैं चलाई हूँ ओपन कर करके, अब ओपन कर ले रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा साग बन के तैयार हो गया है खाने के लिए। इसको रोटी के साथ खाइए या तो चावल के साथ खाइए, पूरा गल चुका है एकदम से, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। खाने से ज़्यादा ये बहुत ही फायदेमंद साग है, और आप ज़रूर बनाइएगा। आप इसमें चना ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, चना ऑप्शनल है फ्रेंड्स। आप ऐसे भी बना खा सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छी तरह से गल गया, कितना सारा साग था और मेरा कितना कम हो गया है साग, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये नया पालंग का साग खाने के लिए रेडी है। इसको रोटी के साथ खाइए या तो चावल के साथ खाइए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है, और टेस्टी के ज़्यादा बहुत ही लाभकारी है, और बहुत सारा बीमारियों में ये कारगर है। तो ये खाना आवश्यक है फ्रेंड्स। तो आप भी बनाइएगा, खाइएगा और खिलाइएगा। मेरा रेसिपी अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। नया व्यूअर से मेरे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मिलती हूँ नया ब्लॉगिंग या नया कुकिंग के साथ। देखिए कितना अच्छा बना है।